जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे जीवाजी यूनिवर्सिटी के रिजल्ट के बारे में कि हमको जीवाजी यूनिवर्सिटी का रिजल्ट किस तरह से देखना है। यूजी और पीजी के रिजल्ट यहाँ पर जारी हो रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों, यूजी और पीजी के जीवाजी यूनिवर्सिटी के रिजल्ट आप किसी भी ईयर के हों, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, जैसे ही आपका रिजल्ट आ जाता है तो आप इस रिजल्ट को कैसे देखते हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन को इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। दोस्तों वीडियो को पूरा देखें तभी आपको अच्छे समझ में आ पाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है, जीवाजी यूनिवर्सिटी की आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है, ठीक है। जैसे ही आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आते हैं, यहाँ पर एक कॉलेज एग्जामिनेशन का एक लिंक दिखाई देता है। कॉलेज एग्जामिनेशन वाले लिंक पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ से हम इस लिंक पर क्लिक करते हैं, कॉलेज एग्जामिनेशन, इसको ध्यान रखिए, इसी लिंक पर आपको क्लिक करना है और कहीं पर भी आपको क्लिक नहीं करना है। इसके बाद में यहाँ पर न्यू रिजल्ट नाम का एक लिंक दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ से हम इस पर क्लिक कर देते हैं। तो दोस्तों इसके बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर रिजल्ट का लिंक दिखाई देगा, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर दोस्तों कुछ क्वालिफिकेशन वगैरह हैं, ये सारी डिटेल्स हैं हमको फिल करनी होंगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 2021 यहाँ पर हमको फिल करना है। अगर आप नॉन CBS स्टूडेंट हैं, नॉन CBS और CBCS है, तो CBCS। नॉन CBCS का मतलब होता है दोस्तों आप जो नॉर्मल कॉलेज में स्टडीज करते हैं, CBCS का मतलब होता है जीवाजी यूनिवर्सिटी में स्टडी करते हैं। इसके बाद में एनुअल हमको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ईयर, जिस भी ईयर का आपको रिजल्ट देखना है वो सिलेक्ट कर लेना। यहाँ पर वो रिजल्ट यहाँ पर आपको दिखाई देंगे जो रिजल्ट अनाउंस कर दिए गए। तो यहां पर हम बीकॉम थर्ड ईयर का रिजल्ट देख लेते हैं। इसके बाद प्रोसेस टू रिजल्ट पर आपको क्लिक करना है। सभी का सेम प्रोसेस रहना है, किसी में भी कोई भी डिफरेंस नहीं रहने वाला है। इसके बाद में आपको क्या करना है, यहां पर दोस्तों अपना रोल नंबर फिल करना होगा, जो भी आपका रोल नंबर होता है वो रोल नंबर यहां पर फिल करना है। इसके बाद में जो कैप्चा कोड दिया गया है उस कैप्चा कोड को यहां पर फिल कर देना है। जो कैप्चा कोड का जो आंसर होता है उस आंसर को यहां पर डाल देना है, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों प्रोसेस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने आपका रिजल्ट ओपन होकर आ जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारा रिजल्ट ओपन होकर हमारे सामने आ चुका है। जिस स्कूल से आपने किया है, जिस कॉलेज से आपने किया है, उस कॉलेज का नाम, आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर नाम है और एनरोलमेंट, रोल नंबर, फादर्स नेम, मदर्स नेम, और यहाँ पर रिजल्ट आपका क्या है वो आपको दिखाई देगा। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में आपके कितने मार्क बने हैं, आए हैं, और टोटल आपके कितने हैं, और आप फर्स्ट डिवीजन से पास हो गए हैं, वो भी यहाँ पर आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ पूरी इन्फॉर्मेशन अच्छे समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है कमेंट करें, साथ ही इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना। मिलते हैं इस वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।